ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंटेंसी में। ये अलग चैप्टर है, नया चैप्टर है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, सम्स वाले पेजेस, इलस्ट्रेशन 14। अब इस चैप्टर में थोड़े अलग ही रूल्स होते हैं बाकी सारे चैप्टर से, सुनना। वैसे रिटायरमेंट से कनेक्टेड है, लेकिन रिटायरमेंट में क्या होता है, रिटायरमेंट में नॉर्मली हम लोगों ने जितने भी थम्स रिटायरमेंट के देखे हैं, उसमें जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो 31 मार्च के दिन ही रिटायर होता है, या 1 अप्रैल के दिन। आप बोल सकते हो कि रिटायरमेंट की जो डेट होती है वो अकाउंटिंग ईयर वाली डेट ही होती है, 31 मार्च या 1 अप्रैल। अब ये हम जो टॉपिक कर रहे हैं आज, ये है डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब हम किसी पार्टनर को रिक्वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं कि भाई तू मर रहा है तो 31 मार्च पे ही मरना, या 1 अप्रैल भी मरना, नहीं तो हमारी एंट्री यहाँ हार्ड हो रही है। नहीं, डेथ की तो कोई भी डेट हो सकती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है इस चैप्टर में, डेथ की डेट, डेट कौन सी है। ठीक है, तो मेरे कुछ अपने किस्म के रूल्स हैं, मैं धीरे धीरे बता दे जाऊंगा क्या करना है। पहले एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, सुनते रहो। इलस्ट्रेशन 14, सुनना सुनना, प्लीज स्किप नहीं करना, पूरा क्वेश्चन सुनना। मीरा सार्थक एंड रोहित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31 मार्च 2018। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोस। बैलेंस शीट ऑफ मीरा सार्थक एंड रोहित एज ऑन 31 मार्च 2018। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, कैपिटल मीरा सार्थक रोहित, एसेट साइड पे फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक। अब यहाँ पे दिया हुआ है मीरा, यहाँ पे लिखा हुआ है सार्थक डाइड ऑन 15 जून 2018। यही प्रॉब्लम है, सार्थक की डेथ 31 मार्च पे नहीं हुई। आप देखो ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2018 पे, और सार्थक की जो डेथ हुई है वो 15 जून 2018 पे हुई है। तो मई और जून, मतलब अप्रैल मई जून, अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून का आधा महीना, मतलब ये 2.5 महीने हुए, 2.5 मंथ्स। मतलब ओल्ड बैलेंस शीट की डेट के, ओल्ड बैलेंस शीट की डेट के 2.5 मंथ्स के बाद सार्थक की डेथ हुई। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, हिज एग्जीक्यूटर्स वर एंटाइटल्ड टू फर्स्ट बैलेंस इन हिज कैपिटल, सेकंड हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज ऑफ पास्ट 4 इयर्स प्रॉफिट, हिज शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। थर्ड पॉइंट, इज शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स, द टाइम पीरियड फॉर विच ही सर्वाइव्ड इन द ईयर ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड इन मंथ्स। मैंने बताया 2.5 महीने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम अप टू द डेट ऑफ डेथ, द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 इयर्स वर 14-15 का 1,20,000, 15-16 का 2 लाख, 16-17 का 2,60,000 और 17-18 का 2,20,000। सार्थक्स एग्जीक्यूटर वर पेड द अमाउंट ड्यू इमीजिएटली, प्रिपेयर सार्थक्स कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वकील आप बोल सकते हो। एग्जीक्यूटर मतलब जो लीगली सार्थक का काम करेगा। तो मेरे जो रूल्स हैं, मेरा जो तरीका है, मैं धीरे धीरे बताता हूँ, यहाँ से हमारा आंसर शुरू हो जाता है। ये इलस्ट्रेशन 14 है हमारे गरेवाल का। ठीक है, अब धीरे धीरे शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे सार्थक्स कैपिटल अकाउंट। ये जो अकाउंट है, क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर अकाउंट सार्थक्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा सार्थक्स कैपिटल अकाउंट है। इसको बोलेंगे सार्थक्स कैपिटल अकाउंट, राइट। पर्टिकुलर अमाउंट जैसे हमेशा हम लोग चार कॉलम बनाते हैं, सिंपली चार कॉलम वाला ही एक अकाउंट बनाना है, ये सार्थक्स कैपिटल अकाउंट में। थोड़ी बहुत लाइंस बना दो, फिर शुरू करता हूँ समझाना। और आपको मालूम है जो जिसकी मार्क्स हैं, ये कैपिटल अकाउंट की मार्क्स हैं, पर मेरे को हमेशा इससे ज्यादा इंटरेस्ट होता है रूल समझाने में। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको रूल्स बहुत अच्छे से समझाऊं, जैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए डेथ वाला आपको सॉल्व करने आ जाए। तो मैं रूल से शुरू करता हूँ, सुनते रहो। ये हमारा सार्थक्स कैपिटल अकाउंट। अब जो मेरे इस टॉपिक के जो मेरे रूल्स हैं, यहाँ पे मैं रूल्स लिखना शुरू करता हूँ। ये हमारे रूल्स, रूल्स में पहला कॉलम आपको बनाने का पर्टिकुलर्स का, ठीक है, ये इसके थियरी वाले पेजेस भी साथ में आ गए। फिर एक कॉलम आपको बनाने का टाइम रेशियो, फिर आपको एक कॉलम बनाने का टाइम रेशियो, ये रूल्स हैं, ये एग्जाम में लिखने नहीं है। और एक कॉलम आपको बनाने का पार्टनर रेशियो, टाइम रेशियो और पार्टनर रेशियो, ठीक है। ऐसे आपको रूल्स धीरे धीरे बनाने, सुनते रहना, थोड़ी देर लगेगी मेरे को फॉर्मेट वगैरह बनाने में, बट जब कंप्लीट हो जाएगा तो मजा आएगा। ये हमारे रूल्स में एक है टाइम रेशियो और एक है पार्टनर रेशियो। अब सुनते रहो, टाइम रेशियो मतलब क्या, मैं जब टाइम रेशियो बोलता हूँ तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। टाइम रेशियो का मतलब है, टाइम रेशियो मेरा बोलने का मतलब है कि जो सार्थक पार्टनर की डेथ हुई वो कितने टाइम तक पार्टनर था
बिफोर हिज और हर डेथ. तो इसमें हम लोग निकालते हैं पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट, पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ डेथ. मतलब जो ओल्ड बैलेंस शीट की डेट है वहां से लेकर डेथ की डेट का कितना टाइम हुआ. तो ओल्ड बैलेंस शीट की डेट थी आपको अगर याद हो तो 31/3/2018 था, और डेथ की डेट अगर आपको याद हो तो अप्रैल मई जून का आधा 15 जून था, 15 जून 2018. ठीक है, तो ओल्ड बैलेंस शीट की डेट थी 31 मार्च और डेथ की डेट थी 15 जून. तो इसको मैं बोलता हूं मेरी भाषा में टाइम रेशियो. तो टाइम रेशियो हुआ 2.5 मंथ्स. अभी जब भी हम लोग मंथ्स में कोई कैलकुलेशन करते हैं तो डिवाइड बाय 12 होता है. जबी भी हम मंथ्स में कोई कैलकुलेशन करते हैं तो डिवाइड बाय क्या होता है 12. तो 2.5 में अपॉन 12 मंथ्स आएगा. तो जहां पे भी मैं आपको बोलूं कि टाइम रेशियो मल्टीप्लाई करो, जब भी मैं यहां पे अलग अलग ट्रांजेक्शन लिखूंगा बहुत सारी, जब भी मैं किसी ट्रांजेक्शन में बोलूं कि टाइम रेशियो मल्टीप्लाई करो, मतलब आप उसमें 2.5 अपॉन 12 मल्टीप्लाई करना, इसको मेरी भाषा में टाइम रेशियो बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद एक आता है पार्टनर रेशियो. टाइम रेशियो के बाद आता है पार्टनर रेशियो. पार्टनर रेशियो मतलब क्या, जो जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसका पीएनएल रेशियो. तो हम लोग ऊपर क्वेश्चन में जाते हैं और आप देखोगे ना फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है मीरा, सार्थक और रोहित, इनका पीएनएल रेशियो दिया हुआ है 2:1. इससे सार्थक की डेथ हो गई तो सार्थक का रेशियो कितना हुआ 2/5. इस 2/5 को मैं बोलता हूँ पार्टनर रेशियो. तो ये मैं वापस वही बात बोल रहा हूँ, मेरे को रूल समझाने में ज्यादा मजा आता है. तो पार्टनर रेशियो है 2/5. पार्टनर रेशियो क्या है 2/5, ये पार्टनर रेशियो. तो जब भी मैं बोलूं किसी भी ट्रांजेक्शन में कि पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई करो, मतलब 2/5 मल्टीप्लाई करो. ठीक है, जब भी मैं बोलूं टाइम रेशियो मल्टीप्लाई करो, मतलब 2.5/12. और जब भी मैं बोलूं पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई करो, मतलब 2/5. तो ये होता है पार्टनर रेशियो और टाइम रेशियो मेरी भाषा में. आगे आगे बढ़ते हैं. अब देखें और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. ये हम लोगों ने बनाया सार्थक का कैपिटल अकाउंट. पहले हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे डायरेक्टली बैलेंस शीट में तो क्या क्या हमको सार्थक को देना है. इस क्वेश्चन में एक ही अकाउंट बनाना है बस, सार्थक कैपिटल अकाउंट. अब थोड़ा स्पीड बढ़ेगी, ध्यान देना. मीरा सार्थक एंड रोहित पर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोस. अब आपको ये देखना है कि बैलेंस शीट में डायरेक्टली आप सार्थक को क्या क्या दोगे. सबसे पहली बात तो बैलेंस शीट में सार्थक का जो कैपिटल है ये वाला 2,350,000, ये सीधा सीधा आप सार्थक को दे दोगे. और बैलेंस शीट में आप सार्थक को क्या दोगे, ये जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व 1,00,000, ये आप इसमें से 1,00,000 में से सार्थक का शेयर सार्थक को दोगे. बाकी आप फिक्स है सार्थक को नहीं दोगे, स्टॉक नहीं, डेटर्स नहीं, कैश एंड बैंक नहीं, क्रेडिटर्स नहीं दोगे. मीरा का कैपिटल सार्थक को नहीं दोगे, रोहित का कैपिटल सार्थक को नहीं दोगे. मतलब आप पहले बैलेंस शीट में देखो कि सार्थक को क्या 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 मिलेगा. तो जो रिजर्व है उनका शेयर मिलेगा, और ये जो सार्थक का कैपिटल है 3,50,000, ये सारा का सारा कैपिटल सार्थक का ही है. ठीक है, तो मैं एक एक रूल एक एक अमाउंट बताते जाऊंगा साथ में, अकाउंट हमको एक ही बनाना है. चलो सार्थक के कैपिटल से शुरू करते हैं. 3,50,000, ये जो सार्थक का कैपिटल है 3,50,000, ये सार्थक के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा 3,50,000. इसको बोलेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन. ये सार्थक का हो गया ओपनिंग कैपिटल, ये सार्थक का ओपनिंग कैपिटल हो गया जिस दिन ओल्ड बैलेंस शीट की जो डेट है 3,50,000, ये हो गई एंट्री. फिर से बोलता हूं मेरे को एंट्री से ज्यादा रूल्स में मजा आता है, तो इस एंट्री का रूल बताता हूं. ठीक है, ये इसको मैं बोलता हूं कैटेगरी 1. मैंने ऐसी 4 कैटेगरी बना के रखी है, तो इसको मैं कैटेगरी 1 बोलता हूं कि सार्थक का जो जो जिस पार्टनर की डेथ हो गई, सार्थक का जो कैपिटल है 3,50,000, वो सारा का सारा कैपिटल सार्थक का ही है. तो सार्थक के ही कैपिटल में से सार्थक का ही शेयर 2/5 नहीं निकालेंगे. मतलब जो 3,50,000 है वो सारा का सारा कैपिटल सार्थक का ही है, तो सार्थक के ही कैपिटल में थे सार्थक का ही शेयर थोड़ी निकालेंगे 2/5. तो ये 2/5 मल्टीप्लाई करना है, नो, ये 2/5 मल्टीप्लाई करना है, नहीं. ओके, सार्थक के कैपिटल में टाइम रेशियो मल्टीप्लाई करना है कि सार्थक का कैपिटल 3,50,000 तो उसमें दे 2.5 महीने का कितना, नहीं. सार्थक के कैपिटल में टाइम रेशियो भी मल्टीप्लाई नहीं करना है. एक और एंट्री आती है जो इस क्वेश्चन में नहीं है, जिसको हम बोलते हैं सार्थक लोन. कभी कभी ओल्ड बैलेंस शीट में सार्थक लोन दिया हुआ होता है लायबिलिटी साइड पर, वो भी सारा का सारा लोन जो है आपको सार्थक के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देना है. मैं लिख के बता दूं, अगर आपको कभी क्वेश्चन में सार्थक का लोन दिया हुआ
तो आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देने का बाय सार्थक लोन, इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है, पर कभी कभी यहाँ पे दिया हुआ होता है, तो आपको क्रेडिट साइड पे लिख देने का फुल अमाउंट, सारा का सारा सार्थक का लोन सार्थक को ही दे दो। कहने का मतलब है इसमें सार्थक के लोन में भी पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई होगा, नहीं, टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होगा, नहीं, मल्टीप्लाई करना है हाँ या नहीं, तो मैंने लिखा है नो, मतलब टाइम रेशियो मल्टीप्लाई करना है, नहीं, पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई करना है, नहीं, तो सार्थक के कैपिटल और सार्थक के लोन में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऐसे मैंने चार कैटेगरी बना के रखी है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पिक्चर क्लियर होते जाएगी, फिर आप एग्जाम में ये कैटेगरी और ये रूल ज्यादा याद करके जाओगे। ऐसे मैंने चार कैटेगरी की ट्रांजेक्शन बना के रखी है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, ठीक है, कैटेगरी 1, 2 और यहाँ पे 3 और फिर 4 आएगा, ठीक है, शुरू करें। चलो कैटेगरी 3 और यहाँ पे नीचे की तरफ मैं लिख दे रहा हूँ कैटेगरी 4। अब धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगा कौन सी चीज कहाँ पे आएगी और किसमें पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई करना है, किसमें टाइम रेशियो मल्टीप्लाई करना है, सुनते जाओ। तो पहले पहले मैंने बताया कि सार्थक का कैपिटल सार्थक के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो 3,50,000, और सार्थक का लोन अगर दिया हुआ हो तो फुल अमाउंट लिख देना क्रेडिट साइड पर। आगे बढ़ते फिर हमको क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट में तो कुछ भी हमारे काम करेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट में कोई ऐसे ही एंट्री नहीं है जो हम सार्थक को पैसा दें, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे लिखा है सार्थक डाइड ऑन 15 जून, तो मैंने आपको बोला कि भाई 2.5 महीने का टाइम रेशियो होगा, तो ये मैंने 2-3 बार बता दिया 15 जून सार्थक की डेथ की डेट है, तो इसमें 2.5 महीने का गैप है, 2.5 मंथ्स, 31 मार्च पे ओल्ड बैलेंस शीट है, 15 जून पे सार्थक की डेथ हुई, तो ये 2.5 महीने का गैप है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हिज एग्जीक्यूटर्स वर एंटाइटल्ड टू फर्स्ट बैलेंस इन हिज कैपिटल, सीधी बात है ना, सार्थक का कैपिटल किसको दोगे, सार्थक को ही दोगे, वो तो हमने लिख दिया। अब आ जाते हैं न्यू पॉइंट, हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेट। अच्छा एक पॉइंट रहेगा यहाँ, हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में दे रिजर्व, ये वाला कॉन्टिजेंसी रिजर्व, मैं एक बार सातों रिजर्व का नाम बोल देता हूँ जो हमारे सारे चैप्टर्स में थेम होते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन से लेकर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, 7 रिजर्व होते हैं, मैं एक बार बोल देता हूँ, सुनना ध्यान से, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व। फिर से एक बार, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैपिटल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, इन 7 रिजर्व में थे, जो भी यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे दिया हो तो पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। और अगर एसेट साइड पे 3 नाम होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, तो ये एसेट साइड पे दिए हो तो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट हो जाते हैं, और लाइबिलिटी साइड पे दिए हो तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाते हैं। तो 1 लाख, एक्चुअली ये 1 लाख हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले रूल में जाते हैं, पहले रूल में जाते हैं, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टिजेंसी रिजर्व या एनी रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व या जो 7 रिजर्व की हमारी लिस्ट होती है उसमें टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होगा, कॉन्टिजेंसी रिजर्व में टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होगा, नहीं, टाइम रेशियो मल्टीप्लाई नहीं होगा, पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई होगा, हाँ, तो जो भी सारे रिजर्व होते हैं, जो भी सारे रिजर्व होते हैं उसमें क्या मल्टीप्लाई होगा क्या नहीं वो मैंने बता दिया। तो कॉन्टिजेंसी रिजर्व में टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होगा, नहीं, पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई होगा, हाँ, जो भी सारे रिजर्व होते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल द रिजर्व जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसमें टाइम रेशियो मल्टीप्लाई होता है, नहीं, पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई होता है, हाँ, तो सीधी बात है ना, 1 लाख रुपीज का रिजर्व है, उसमें से हम सार्थक का शेयर निकालेंगे 2/5, राइट है, 1 लाख में से 2/5 निकालेंगे, लेकिन रिजर्व में कभी भी हम रिजर्व में ऐसा नहीं बोलते हैं कि 2.5 महीने का रिजर्व कितना, नहीं, रिजर्व में मंथ्स नहीं आते, तो ये हमारा कैटेगरी 2 हुआ। मेरी जो 4 कैटेगरीज है, पहली कैटेगरी में दोनों में नो आएगा, दोनों कॉलम में नो आएगा, दूसरी कैटेगरी में पहले नो फिर यस, तीसरी कैटेगरी में पहले यस आएगा फिर नो, और जो चौथी कैटेगरी होगी, चौथी कैटेगरी में दोनों में यस आएगा, इधर भी यस आएगा इधर भी यस आएगा। ऐसे मैंने 4 कैटेगरी बना के रखी है, धीरे धीरे मैं ट्रांजेक्शन बता दे जाऊंगा। अभी रिजर्व में टाइम रेशियो मल्टीप्लाई नहीं होता है, पार्टनर रेशियो मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास एक कॉन्टिजेंसी रिजर्व है 1 लाख, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये कॉन्टिजेंसी रिजर्व मैं पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बाय कॉन्टिजेंसी रिजर्व।
रिजर्व. अब क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 लाख, इसको मल्टीप्लाई बाय मैं 2/5 कर दूंगा जो सार्थक का रेशो था. तो ऑब्वियसली 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5 होता है 40,000. तो टोटल 1 लाख था रिजर्व, उसने 40,000 सार्थक का शेयर सार्थक के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रूल और सम साथ में बताते जा रहा हूँ आगे. इसके बाद लिखा हुआ है his share of goodwill will be calculated on the basis of thrice the average profit of past 4 years. तो पहले past 4 years का profit निकालूंगा, past 4 years के profit का average निकालूंगा, फिर उसको multiply by thrice मतलब multiply by 3 कर दूंगा तो goodwill आ जाएगा. फिर उस goodwill में से भी सार्थक का share निकालूंगा, तो time लगेगा. अब हमारा जो balance sheet की date थी वो थी 31/3/18. याद रखना यहाँ पे जो पीछे पीछे वाला साल होना चाहिए वो 17/18 ही होना चाहिए. कभी कभी क्या होता है 3 साल का प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है, 1,20,000, 2 लाख और 2,60,000, 2,60,000. चौथे साल का प्रॉफिट कभी कभी दिया हुआ ही नहीं होता है. यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 4 ईयर्स का एवरेज निकालो, लेकिन चौथे साल का प्रॉफिट दिया हुआ ही नहीं होता है. तो क्या करने का, ओल्ड बैलेंस शीट में देखने का, चौथे साल का प्रॉफिट यहाँ पे लायबिलिटी टाइप पे दिया होता है पीएनएल का. कभी कभी ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं कि इधर एडजस्टमेंट में बोलेंगे कि 4 साल का एवरेज निकालो, यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोलेंगे 4 साल का एवरेज निकालो. फिर आप नीचे क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो 3 ही साल का प्रॉफिट दिया होगा, तो चौथा साल कहाँ गया, चौथा साल बैलेंस शीट में होगा लायबिलिटी साइड पे, वहां से चौथे साल का प्रॉफिट मिलता है. इस समय तो इजी है, 4 साल का प्रॉफिट है 1,20,000, 2 लाख, 260 और 220. 1,20,000, 2 लाख, 260 और 220. अब मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ. 1,20,000 मैं भूल गया, 1,20,000, 2 लाख, 260 और 220. 1,20,000, 2 लाख, 1,20,000, 2 लाख, 260 और 220. ठीक है, अब ये शुरू होता है 2014-15 से, 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18. ये आपको अलग अलग ईयर और उसका अलग अलग ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग नोट्स. ये हमारे वर्किंग नोट्स. तो हमको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने का, आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसका ट्रेंड क्या है. अब ध्यान से देखो, पहले प्रॉफिट बढ़ा, पहले प्रॉफिट बढ़ा, फिर और भी बढ़ा. ठीक है, पहले प्रॉफिट बढ़ा 120 से 2 लाख हो गया, मतलब बढ़ा. फिर 2 लाख से 260 हो गया, तो और बढ़ा. फिर 260 के बाद 220 हो गया, तो कम हो गया. तो ये ट्रेंड हुआ फ्लक्चुएटिंग. फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड में हम लोग करते हैं सिंपल एवरेज. इंक्रीजिंग ट्रेंड हो तो वेटेड एवरेज, नहीं तो हमेशा सिंपल एवरेज. अब यहाँ पे मैं टोटल करूंगा, इन सब का टोटल कितना है, तो इन चारों को मैं प्लस करूंगा. इन चारों को प्लस करेंगे, यहाँ पे लैपटॉप पे राइट कॉर्नर में आपको दिखेगा, ये 8 लाख, ये चारों का टोटल है 8 लाख. तो मैं इन चारों का टोटल करता हूँ, इक्वल टू सम ऑफ 120, 2 लाख, 260 और 220. इन चारों का टोटल है 8 लाख. अभी मैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट. अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ एन ईयर्स अपॉन एन, टोटल प्रॉफिट ऑफ एन ईयर्स अपॉन एन. ये हमारे सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला. अब टोटल प्रॉफिट था हमारा कितना, 8 लाख. टोटल प्रॉफिट था 8 लाख, और ये कितने साल थे, 4 साल. तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 साल, तो ऑब्वियसली हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा 2 लाख रुपए. एवरेज